चंडीगढ़ से हमीरपुर आ रही इयोन कार में अचानक आग लगने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार हीरानगर के पास ठीक उपायुक्त निवास के बाहर इयोन कार में आग लग गई, जिससे गाड़ी में बैठी सवारियां भी डर गई, लेकिन चालक की सूझबूझ के चलते गाड़ी को रोककर सवारियों को बाहर निकाला गया। कार HP 22B 0820 के इंजन में अचानक आग लग गई, जिस पर आसपास के स्थानीय लोगों ने काबू पाया। वहीं समय पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। हमीरपुर ASP बलबीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक दृष्टि से लगता है कि कार के इंजन में कोई फॉल्ट आने पर आग लगी है, जिसकी छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि आग की घटना में कार कुछ जल गई थी, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई है। दोपहर को एक सूचना मिली थी कि किसी गाड़ी में जाते जाते गाड़ी में आग लग गई है, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच गए थे, पर तब तक आग पर काबू पा लिया था। इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, पर गाड़ी का कुछ नुकसान इसमें जरूर हुआ है। कारण तो जो टेक्निकल लोग हैं वो बता सकते हैं, पर प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है इंजन में, और उसकी वजह से आग लगी थी, और इसमें किसी भी तरीके से कोई किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है।